तो गाइज आज हूँ मैं बहुत ही खुश क्योंकि अपने पास आ चुका है सेना 50S, जो कि है अभी सेना का सबसे लेटेस्ट डिवाइस। और इसको मैंने लिया है स्पेशली अपनी एक आगे आने वाली राइड के लिए। तो सीन कुछ ऐसा है कि इस पे मैंने खर्चे हैं 54,000। दिल पे बहुत मतलब बयां नहीं कर सकते कि मतलब कितना दुख होता है, बट क्या करें, राइड के लिए करना पड़ता है। और सीन कुछ ऐसा है कि मैंने अभी ये ड्यूओ पैक लिया है और इसका एक सिंगल पैक भी आता है जो कि सेना 50S का मतलब सिंगल आप लोगों को डिवाइस मिलता है, उसमें आप लोगों को जो प्राइस पड़ेगा वो है 30,000 का। तो अभी इसका सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं करूँगा इसको इंस्टॉल अपने हेलमेट में और उसी के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा इसका जो ऑडियो क्वालिटी है वो कैसा है, बाकी आप लोगों को रेंज के बारे में और बाकी इसके फंक्शंस हैं तो उसके बारे में आप लोगों को आगे आने वाली राइड पे बताऊंगा। एक बार मैं टेस्ट कर लूँ इस डिवाइस को कि ये कैसा परफॉर्म करता है हाईवेज पे और हिली एरियाज में। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, जिससे कि आप लोगों को आगे आने वाले राइड पे अपडेट्स पता लगते रहें कि ये सेना 50S कैसा परफॉर्म करता है। उसी के साथ में आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट और इस बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स और इसके आप लोगों के फीचर्स बताता हूँ कि क्या काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि मैश इंटरकॉम है, जैसे आप लोगों को पता रहता है सेना की डिवाइस स्पेशली इस चीज़ के लिए फेमस है कि इसमें मैश इंटरकॉम रहता है और प्लस इनका रेंज काफ़ी ज़्यादा रहता है बेटर कंपेयरिंग टू अदर डिवाइस। इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था परानी M10, जो कि मैंने अभी अपने दूसरे हेलमेट में लगा दिया है, तो वो भी रहेगा यूज़ करने के लिए एक सेकेंडरी इंटरकॉम मेरे पास में। बट जो मेजर राइड रहती हैं, जैसे कि मेरे पास मेरे राइडिंग ग्रुप के पास में सब सेना 50S है, हम लोग जो 4-5 जने राइड करने वाले अभी कोडाईकनाल के लिए, तो सीन कुछ ऐसा रहेगा कि अभी हम लोग आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास परानी था, परानी मैं लिया था स्पेशली लद्दाख राइड के लिए, जो कि मैंने लद्दाख राइड मारी थी, तो सबके पास था परानी M10। तो उसका भी रिव्यू मैं मतलब उसको डिवाइस को ख़राब नहीं कहूँगा, बट ओनली लिमिटेशन इज़ कि आप उस डिवाइस को सिर्फ कनेक्ट कर सकते हो अप टू 4 डिवाइस इंक्लूडिंग योर। और उसमें सीन ये रहता है कि आप परानी टू परानी कनेक्ट कर सकते हो, ये एक लिमिटेशन है। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस सेना 50S के फीचर्स की, तो इसमें आ जाता है ब्लूटूथ 5 मैश इंटरकॉम, इंटरकॉम की जो रेंज है दैट इज़ 2 किलोमीटर्स और 1.2 माइल्स, मल्टी वे इंटरकॉम का ऑप्शन है, प्लस म्यूज़िक शेयरिंग है। म्यूज़िक शेयरिंग जैसे कि अगर आप लोग कभी अपने बाइकिंग ग्रुप के साथ में राइड कर रहे हो, अगर उनके साथ कनेक्टेड हो तो आप जो म्यूज़िक सुन रहे हो या वो जो म्यूज़िक सुन रहे हैं आप बेसिकली आपस में शेयर कर सकते हो। उसके अलावा आ जाता है यहाँ पे एडवांस नॉइस कंट्रोल, जो कि आप लोगों को डिस्टॉर्टेड वॉइस जो आती है एलिमिनेट कर देता है। उसके अलावा आ जाता है ऑडियो मल्टीटास्किंग वॉइस कमांड्स, तो आप हेलो सेना या फिर कुछ सेट कर सकते हो उसकी जगह FM रेडियो। और उसके साथ में आप लोग जो सेटिंग्स हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हो अपने स्मार्टफोन ऐप के थ्रू, विच इज़ सेट आई यूटिलिटी। तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, इसके बारे में धीरे धीरे जानेंगे और उसके बाद में जैसे यूज़ करेंगे तो आप लोगों को उसका भी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता चलूँगा। तो अभी मैं इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ, जो सेना 50S का मेरे पास डिवाइस है, और ये वाला है ड्यूअल पैक। इसके साथ में आप लोगों को आ जाते हैं ऐसे 2 डिवाइस और इसका बॉक्स है कुछ इस तरीके से, इसको स्लाइड कर देते हैं एंड दिस इज द एक्चुअल बॉक्स। इसको ओपन करेंगे तो इसके में आप लोगों को मिल जाते हैं 2 सेना इंटरकॉम के जो डिवाइस होते हैं, जो कंसोल है, और इसको अगर साइड करते हैं तो इसमें आ जाएगा 2 बॉक्स जिसमें कि सेम एक्सेसरीज रही। इसको मैं निकाल देता हूँ, तो एक ये वाला बॉक्स है और इसी के साथ में एक और वाला बॉक्स है। इसके अंदर का एक्सेसरीज आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या क्या है। इसमें एक आ जाता है चार्जिंग अडैप्टर और इसी के साथ में एक है माइक जो कि आप लोगों का कनेक्ट होगा। इसके साथ में आ जाता है आप लोगों को एक सेना का क्लैंप किट, जिसमें कि आप लोगों का एक माइक लगा हुआ है और यहाँ पे लगे हुए हैं 2 स्पीकर्स। और इसके अलावा आप लोगों को आ जाती है ये केबल 3.5 mm जैक टू 3.5 जो कि आप लोगों का इससे कनेक्ट होगा। इसी के साथ में आप लोगों को हेलमेट में साइड में जो आप लोगों के स्पीकर्स माउंट होंगे उसको लगाने के लिए मिल जाते हैं ये स्पॉन्ज, और ये आप लोगों को नॉइस कैंसिलेशन के लिए मतलब मिल जाता है इसका माइक का कवर। और उसके साथ में आप लोगों को मिलता है ये क्लैंप, जो कि अगर आप लोगों को पेस्ट करना है तो आप पेस्ट भी कर सकते हो
अपना हेलमेट में ये जो क्लैंप किट है इसको, अदरवाइज अगर आप लोग इसको क्लैंप करना चाहते हो इस पर तो वो भी चीज़ कर सकते हो। तो और इसी के साथ में आ जाता है एक ये छोटा वाला माइक, बट मैं जनरली जो इसके साथ में जो यूज़ होता है ऑलरेडी वो वाला मैं यूज़ करता हूँ। तो अभी क्या करेंगे, मेरे पास जो हेलमेट है उस पर सेना का जो 50S है उसको माउंट करेंगे। तो ये वाला है एक्सोर वेनमस जो मैं अभी हेलमेट करंटली यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें मेरे को करना है इस वाली यूनिट को फिट। तो अभी मैं इसको यहाँ पे फिट कर देता हूँ, देन उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये ओवरऑल जो इसका लुक है कैसा आता है हेलमेट के ऊपर। और मेरे को ट्रस्ट में मतलब मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा डिवाइस, मतलब इसका जो लुक है काफ़ी प्रीमियम है, एंड स्पीकर का जो आप लोगों को क्वालिटी है वो बाद में पता लगेगा क्योंकि मैं अभी कनेक्ट करता हूँ, देन उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कनेक्ट करके कि इसका साउंड कैसा है। एक नो कॉपीराइट वाला म्यूज़िक अगर हो सका तो मैं आप लोगों को चला के दिखाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लगे कि इसका ओवरऑल जो साउंड है वो कैसा है। तो अभी मैंने इस हेलमेट में अपना जो क्लैंप यूनिट है उसको फिट कर दिया है, और अभी ये कुछ लग रहा है इस तरीके से। एक्सोर हेलमेट में थोड़ा सा फिट करने में प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों का जो विंड जो डबल वाइज़र है, इसमें एक अंदर भी वाइज़र है ब्लैक कलर का, तो अगर मैं इसको यहाँ से स्लाइड करता हूँ तो एक और वाइज़र खुलता है यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, बट दैट्स फाइन। मैं इसको ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ अंदर वाला वाइज़र, जब कभी यूज़ करता हूँ बट तब भी थोड़ा, उसकी वजह से मैंने इसको आगे फिट किया है। अदरवाइज़ बाकी हेलमेट रहते हैं तो उसके लिए परफेक्ट प्लेस रहती है यहाँ पे फिट करने के लिए। तो अभी मेरे पास है ये वाला सेना का कंसोल जो मेन डिवाइस है, अभी इसको कनेक्ट करूँगा इस वाले क्लैंप पे, देन उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों को कैसे सेना डिवाइस आप लोगों को ऑन करना है। तो अभी मैं ये वाले कंसोल को अभी इस पर इंस्टॉल करूँगा, और इसका जो ये वाला क्लैंप का ये वाला पार्ट है वो इधर पे स्लाइड होता है, तो अभी इसको फिट करते हैं ऐसे। तो अभी ये क्लैंप पे एग्जैक्टली फिट हो चुका है। अगर इसको निकालना है देन यू हैव दिस बटन, जिसको प्रेस करने पे ये पॉपअप हो जाता है और इसको आप ऐसे निकाल सकते हो। तो इसमें ये वाला जो है एक जॉक डायल दिया हुआ है, यहाँ पे एक बटन है, उसके अलावा एक आप लोगों का यहाँ पे बटन रहता है जो मेन क्लैंप किट है, तो इसको और यहाँ पे आ जाता है आप लोगों का सेना 50S का जो एंटीना आता है, इसको ओपन करने के लिए थोड़ा सा इसको स्लाइड करना है और ये इस तरीके से खुल जाता है। अगर आप लोगों को लॉन्ग राइड करते हैं, जैसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है तो उसका रेंज बढ़ाने के लिए बेसिकली ये एंटीना यूज़ होता है, ज़्यादा ज़रूरी पड़ता नहीं है बट अगर ज़्यादा दूर है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इसको ऑन करने के लिए क्या करना है, मेन्यू बटन और जॉक डायल को दोनों को एक साथ में प्रेस करेंगे तो ऐसा लाइट जलेगा ब्लू, और जब तक होल्ड करके रखना है जब तक ये ऐसे ब्लिंक ना करने लग जाए रेड और ब्लू में। तो अभी ये जा चुका है फ़ोन पेयरिंग मोड में। अब इसको फ़ोन पेयरिंग करने के लिए क्या करना है, तो अभी ये है फ़ोन पेयरिंग मोड में। अब यहाँ पे आ गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे सेना 50S वर्जन 1.0.9, इस पर टैप करेंगे और पेयरिंग कर रहा है ये, अलाउ एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट्स एंड कॉल हिस्ट्री, इस पर जाके कर देंगे इसको पेयर, और अभी हो चुका है ये एक्टिव कनेक्ट। तो जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे लाइट जल जाएगी ब्लू कलर की जो कि ब्लिंक करती है, और वॉल्यूम अप डाउन के लिए जॉक डायल यूज़ होता है अप एंड डाउन। तो अभी ये है ब्लूटूथ पेयरिंग इसका हो चुका है फ़ोन से। अभी आप लोगों को एक साउंड सुना देता हूँ, इसका सैम्पल साउंड दिखाता हूँ कि अगर आप हेलमेट के अंदर मतलब आप लोगों को जैसे आवाज़ आएगी, जो म्यूज़िक अगर आप सुनते हो तो कैसी आवाज़ आएगी।
तो अभी हो चुका है अपना सेना 50S हेलमेट में इंस्टॉल और काफ़ी ब्यूटीफुल और स्लीक सा लुक दे रहा है। आगे आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को पता लग जाएगा कि इसका जो ऑडियो क्वालिटी है और जो इसका रेंज है वो कैसा है, क्योंकि अभी हम लोग नेक्स्ट वीक जा रहे हैं कोडाईकनाल की राइड में, तो काफ़ी मज़ा आएगा और सबके पास में सेना 50S है जैसे कि, तो मेरे को एक बार टेस्ट भी हो जाएगा ये कि कैसा परफॉर्म करता है हाईवेज पे और हिली एरियाज़ में और इसका रेंज क्या है। तो स्टे ट्यून्ड एंड बाकी आने वाले व्लॉग ज़रूर देखना एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग ज़रूर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, माय इंस्टाग्राम आईडी इज़ विकेट राइडर व्लॉग्स। तो आप लोगों को कुछ भी क्वायरी है तो डेफिनेटली आप लोग मेरे को वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, और अगर व्लॉग पसंद आया है तो कमेंट डाउन ज़रूर कर देना और एक लाइक कर देना इस वीडियो के लिए। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तो दिस इज़ योर विकेट राइडर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।